फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। इलस्ट्रेटर का क्लास नंबर 15 लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इन दोनों का क्या यूज है, कैसे डिजाइन में, खासतौर से 3D डिजाइन बनाने में कैसे ये हेल्प करता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। पूरा डिटेल से देखते हैं, तो चलिए स्क्रीन पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को समझते हैं। तो आ गए हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और आइए जानते हैं पर्सपेक्टिव टूल को कैसे यूज करना चाहिए। टूल बार में यहां पर पर्सपेक्टिव टूल के साथ एक टूल और दिया गया है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल कॉम्बो में है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का शॉर्टकट होगा Shift+P और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है Shift+V। ये दोनों टूल एक साथ यूज होने वाले हैं। तो यहां पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये एक ग्रिड बनाकर मुझे दे देगा। ये देखिए, ये ग्रिड आपके आर्टबोर्ड पर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आप अपने इस ग्रिड को एडिट कर सकते हैं। कैसे कैसे एडिट करेंगे ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने इसी टूल पर रहेंगे, वापस दूसरे टूल पर नहीं जाएंगे। आपको रहना पड़ेगा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पर ही। और इसको एडिट करने के लिए, यानी कि किसी के तरफ साइज बड़ी करना है, छोटी करना है, तब आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू को देखते हैं। यहां से क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके नीचे डाउन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा बनाना है, तब यहां लेफ्ट साइड का दो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को क्लिक करके इसके साइज को बड़ी या छोटी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये लीनियर लाइन के ऊपर काम ऐसे करता है। और फिर इस पॉइंट को पकड़कर आप इसको डाउन या अप कर सकते हैं ऐसे। इसी तरीके से राइट में भी काम करेगा। ये बॉटम पे तीन एंगल हैं। इस पॉइंट को पकड़कर लेफ्ट साइड को अलग कर सकते हैं, इस पॉइंट को पकड़कर राइट साइड को अलग कर सकते हैं, और ये बेस वाली चीजें हैं, बॉटम की चीज है, इसको पकड़कर आप अप या डाउन ऐसे कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और है, इसको पकड़कर अगर आप चाहेंगे तो अपने ग्रिड को ऊपर या ग्रिड को नीचे एक जगह पे पर्सपेक्टिव लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं इसको। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करके अनडू कर रहा हूं। और अब देखिए इन सभी पर्सपेक्टिव को कैसे यूज करेंगे। यहां पर एक छोटा सा आइकन दिया गया है, ये है एक्चुअली ग्रिड का 3D एंगल, जिसको एक्टिव करेंगे उसी पर पर्सपेक्टिव बनेगा। जैसे लेफ्ट को एक्टिव किया तो लेफ्ट बनेगा, राइट को एक्टिव किया, बॉटम को एक्टिव किया, जिसको आप एक्टिव करेंगे उसी पर पर्सपेक्टिव बनेगा। तो अगर मैं लेफ्ट को एक्टिव करता हूं और मैं कोई भी एक शेप बना रहा हूं यहां से, तो देखिए ये शेप आपका इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से बड़ी या छोटी हो रही होती है, कुछ यूं। और अगर मैं राइट साइड को एक्टिव कर लेता हूं और यहां पर बनाता हूं, तो फिर ये इसी पर एक्टिव हो जाता है। ये देखिए, बॉटम को एक्टिव करूंगा तो फिर बॉटम पर काम करेगा। देखिए इस पॉइंट से काम कर रहा होगा ये, लाइक दिस। लेकिन ये तो शेप है, डायरेक्ट शेप आप इसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिजाइन बना रखा है और उसको प्लेस करना चाहते हैं इसके ऊपर, तब कैसे करेंगे इसको जानते हैं। तो हमने दो तीन चीजों को बना रखा है। एक तो टेक्स्ट है, इसको भी अप्लाई करना सीखेंगे। लेफ्ट में एक डिजाइन है और राइट में एक डिजाइन है। इन दोनों को इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूं। किसी भी डिजाइन को अगर पर्सपेक्टिवली इसको अप्लाई करना है, तो आपको जाना पड़ेगा यहां पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर। इस सिलेक्शन टूल पर जाने के बाद अब आप किसी भी डिजाइन को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहां लाना चाहता हूं राइट साइड में, तो राइट साइड के एंगल को मैं एक्टिव करूंगा और इसको ड्रैग करके यहां लाऊंगा। ऑटोमेटिकली देखें इसके ऊपर ये एडजस्ट हो रहा होगा, लाइक दिस। तो आप ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इसको छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए यहां पर ये सेट हो गया है। अब मैं इसके साइज को छोटी करना चाहता हूं, तो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर ही रहेंगे और इसके कॉर्नर को पकड़कर आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ऐसे एडजस्ट हो गया। इसको जूम इन करके बहुत अच्छे ढंग से इसको पकड़ करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लाइक दिस। एक एंगल हो गया। अब इसी तरीके से इस एंगल को भी आप एडजस्ट करेंगे। यहां पर स्पेस बार प्रेस करके आप हैंड टूल में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर भी परफेक्ट हो गया है। अब हमें इसी को लेफ्ट साइड में लाना है, तो आप लेफ्ट वाले एंगल को एक्टिव कर लीजिएगा। इस डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहां ला करके ऐसे सेट कर देंगे कुछ यूं, और फिर इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो ग्रिड टूल है, इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे। Ctrl+Shift+I प्रेस करते ही वो ग्रिड हाइड हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको चेंज कर दिया है। तो Ctrl+Shift+I प्रेस करके दोबारा इसको एक्टिव कर लेते हैं। अब ये डिजाइन मुझे नहीं चाहिए, तो दोबारा हम लोग जाएंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर और इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर देंगे। अब इसी तरह से मुझे ये डिजाइन चाहिए होगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग करके लाऊंगा, यहां ला करके कुछ यूं रखूंगा, देखें ऐसे। और इस पॉइंट को पकड़कर हमने यहां एडजस्ट कर दिया और इस सेंटर वाले पॉइंट
पॉइंट को एडजस्ट कर दिया हमने बिल्कुल राइट साइड में कुछ। और अब मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट करूंगा, इसको एक्टिव किया और ड्रैग करके हमने ला करके इसको भी ऐसे ही रखा। इसके साइज को आप बड़ी कर दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसको हाइट कर दीजिए। एक परफेक्ट डिजाइन रेडी है। तो इतना बेनिफिट हो सकता है कि आप इस तरह के टूल से पर्सपेक्टिव डिजाइन बना सकते हैं। अब रही बात कि टेक्स्ट को कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसको भी समझिए। इसी टूल पर रहेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर एक्टिव करेंगे इसको और ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे और इसकी साइज को आप बड़ी कर लीजिएगा कुछ यूं। और अब राइट साइड को एक्टिव करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ ले जाकर ऐसे और इसकी साइज को आप बड़ी कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसको हाइड कर दें और देखिए आपकी डिजाइन पर्सपेक्टिवली। तो होपफुली अब आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। मेरे वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल होता है, मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।